तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि कितने रिपोर्ट्स अगर हम किसी अकाउंट के ऊपर मारें तो उसका अकाउंट डिलीट हो जाता है। बेसिकली मैंने भी काफी सारी रिसर्च करी है इस टॉपिक के रिलेटेड। सो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल के ऊपर। अकॉर्डिंग टू गूगल यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 too many वार्निंग्स विल रिजल्ट इन अकाउंट डिलीशन, 5 multiple रिपोर्ट्स कैन ड्रा अटेंशन टू योर अकाउंट। अगर आप किसी को कहकर 5 रिपोर्ट्स किसी के अकाउंट पर मरवा देते हो तो वहां पे क्या होता है कि इंस्टाग्राम को एक सिग्नल जाता है कि अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है क्योंकि लोग इस पर्टिकुलर अकाउंट को रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि मैंने YouTube के ऊपर सीखी। बेसिकली मैं रिसर्च कर रहा था कि आपको 4 या 5 बार ही रिपोर्ट करना पड़ेगा, मतलब आप खुद नहीं कर सकते, आप तो खुद एक ही बार कर सकते हो किसी को रिपोर्ट, लेकिन उन 4 से 5 रिपोर्टिंग की जो गैप होगा वो रहेगा 45 मिनट से लेकर के 60 मिनट, मतलब 45 मिनट का आपको गैप देना होगा उन 5 रिपोर्ट्स के बीच में, तब जाकर इंस्टाग्राम को एक सिग्नल मिलता है कि एक्शन लेना चाहिए इस अकाउंट के ऊपर। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। आपको मैं से एक बार बता देता हूं, 4 या 5 रिपोर्ट्स मिलने के बाद इंस्टाग्राम को सिग्नल जाता है कि इस अकाउंट में कुछ कमी है या कोई गलती है, लोग इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, और उन रिपोर्ट्स का गैप कितना रहेगा 45 मिनट्स लेकर के 60 मिनट तक। वीडियो अगर हेल्पफुल थी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय।